इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे थर्ड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स का थर्ड पोस्टुलेट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन के रिगार्डिंग होता है। आइए समझते हैं। ऐसा मान लेते हैं ए कैप एक ऑपरेटर है एंड साई एन एक वेव फंक्शन है। ये ऑपरेटर जब इस वेव फंक्शन को ऑपरेट करता है तब यहाँ पर एक कोफिशियंट मिलता है ए एन और वापस से एक फंक्शन मिलता है साई एन। तो यहाँ पर जो ये फंक्शन होता है इसको बोलते हैं आइगन फंक्शन, और इसके करस्पॉन्डिंग जो कोफिशियंट मिलता है इसको बोलते हैं आइगन वैल्यू, और आइगन वैल्यू होती है रियल। तो यहाँ पर जो ये आइगन वैल्यू मिलती है इसी को हम कहते हैं थर्ड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, और हमेशा ये किसी न किसी आइगन फंक्शन के करस्पॉन्डिंग मिलती है। आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल से। ऐसा मान लेते हैं हैमिल्टोनियन एक ऑपरेटर है और यहाँ पर साई एक वेव फंक्शन को ऑपरेट करता है। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है एनर्जी ऑपरेटर। जैसे ही ये ऑपरेट करता है तब यहाँ पर एक वैल्यू मिलती है ई एन साई एन। तो साई एन यहाँ पर होता है आइगन फंक्शन एंड ई एन होता है यहाँ पर आइगन वैल्यू ऑफ एनर्जी ई, यानी कि एनर्जी की जो आइगन वैल्यू होती है वो ई एन होती है, क्योंकि यहाँ पर जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है ये एक एनर्जी ऑपरेटर है। इसी को हम कहते हैं थर्ड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। थैंक यू।